हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं अल्कोहल। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं अल्कोहल। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द सैचुरेटेड कार्बन। बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सैचुरेट कार्बन पर लगा होता है OH ग्रुप, वो सारे कंपाउंड कहलाते हैं अल्कोहल। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। तीन एग्जाम्पल दिए हैं, इनको देख के आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों इन तीनों कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये OH फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा है बस इतना और आपको चेक करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जिस कार्बन पे लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कि यानी कि उस कार्बन को चार सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं। अगर कोई कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कहलाता है, या फिर सैचुरेट कार्बन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कार्बन को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे आप चार सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो ये चार सिंगल बॉन्ड यानी कि चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये हमारा होगा अल्कोहल। तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में ये वाला कार्बन भी चार सिंगल बॉन्ड या चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, और यहाँ पर ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो आपको भी डिफाइन किया था कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज या सैचुरेट कार्बन पे लगा होता है वो कहलाता है अल्कोहल। तो ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो अल्कोहल के हैं। लेकिन अब लेते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। देयर आर टू क्लास ऑफ अल्कोहल्स। तो बच्चों अल्कोहल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अल्कोहल में किस टाइप का कार्बन है, जिस टाइप का कार्बन होगा वैसा ही वो अल्कोहल कहलाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन अल्कोहल की तीन टाइप होती हैं। पहला है प्राइमरी अल्कोहल जिसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा है टर्शियरी अल्कोहल जिसको 3 डिग्री अल्कोहल से दिखाते हैं। बच्चों होता क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे लगा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे लगा होता है, और टर्शियरी अल्कोहल वो होगा जिसमें OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन पे लगा होगा। बताया था ना आपको कि यहाँ पे अल्कोहल का जो टाइप होगा वो डिपेंड करेगा कि वहां पर किस टाइप के कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो आइए एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। हमें पांच एग्जांपल लिए हुए हैं, तो पांचों को 1 by 1 करके चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, और कौन सा टर्शियरी है। तो बच्चों पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जिस कार्बन पे आपका OH ग्रुप लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आप देखते हैं कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन होगा और ये अल्कोहल कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या आपको क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो आंसर है 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन होगा और ये अल्कोहल का जो टाइप हो है ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। देखिए यहाँ पर जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सर ये वाले कार्बन, ये कार्बन कंसिडर नहीं होंगे, आपको देखना है कि जिस कार्बन पे OH लगा है वो कुल कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। तो 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन और ये अल्कोहल कहलाएगा टर्शियरी अल्कोहल। क्या ये क्लियर है आपको? अब नीचे के दो अल्कोहल के टाइप हैं, इनको और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन जो है ये कार्बन बेंजीन के केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, और ये टाइप कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? यहाँ पर देखिए जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से, तो एक कार्बन मिथाइल का और दूसरा कार्बन जो है वो रिंग का है, तो ये कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन और ये अल्कोहल हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या आप पहचान सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है? बच्चों इनकी हमको जरूरत आगे जरूर पड़ेगी, तो ये आपको क्लियर होना जरूरी है। अब लेते हैं दूसरी टाइप अल्कोहल की, जहाँ पे अल्कोहल की टाइप डिसाइड होती है कि उस अल्कोहल में कितने OH ग्रुप लगे हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे OH ग्रुप के बेस पर अल्कोहल को 4 टाइप में बताया गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और चौथा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो माने होता है 1, हाइड्रिक माने होता है OH ग्रुप। तो अगर आपके अल्कोहल में एक OH ग्रुप लगा है तो वो कहलाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाई माने बच्चों 2 होता है, आप जानते हैं, हाइड्रिक माने OH ग्रुप।
तो ऐसा अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप लगे होते हैं वो कहलाता है हमारा डाईहाइड्रिक। बच्चों ट्राईहाइड्रिक आप समझ ही गए होंगे, हाइड्रिक माने OH होता है, ट्राई माने तीन होता है। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन OH ग्रुप लगे होते हैं, बात करते हैं पोली, पोली माने होता है मैनी। ऐसा अल्कोहल जिसमें बहुत सारे OH, सर कितने सारे, तीन से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं वो पोलीहाइड्रिक कहलाता है। सर क्लियर नहीं हुआ तो आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। बच्चे यहाँ पे चार स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं अल्कोहल के, तो आपको बताना है कि आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर किस अल्कोहल को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अल्कोहल है सर, हाँ ये हमारा अल्कोहल है, तो इसमें कुल कितने OH लगे हैं सर, दो लगे हैं। तो ये कौन सा हो गया सर, ये हो गया हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल का टाइप है, ये क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं इस अल्कोहल की, अल्कोहल में कितने OH लगे हैं सर, एक लगा है, तो ये कौन सा होगा सर, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का टाइप होगा, क्लियर है आपको, आप समझ गए होंगे कौन सा होगा। ये ट्राईहाइड्रिक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर तीन OH ग्रुप लगे हैं और इसमें तीन से ज़्यादा हैं। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ पोलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, तो स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं हमने एग्जांपल लिया हुआ है CH3OH का, क्लियर है आपको। मिथेनॉल लिया हुआ है, तो मिथेनॉल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कार्बन होता है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होगा, बिल्कुल होता है, आपको पता है, आपने देखा था। और ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल में हमेशा, अल्कोहल में जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है OH, उसका ऑक्सीजन एटम हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पर कार्बन और O की जो बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ वो 1.4 एंगस्ट्रॉम होगी और OH बॉन्ड लेंथ 0.96 एंगस्ट्रॉम होगी और बॉन्ड एंगल COH 108 डिग्री 9 मिनट होगा। क्या आपको क्लियर है बच्चों, अल्कोहल की जनरल स्टडी के बाद अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप इन रिएक्शन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन होगा ही होगा। तो यहाँ पर लेते हैं पहला फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, आप जानते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना वो कंपाउंड कैसा है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और मेनली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ये आप जानते हैं, जिनको डाउट है उनको क्लियर कर लीजिएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। तो आइए जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड and ketones are reduced by lithium aluminium hydride and sodium borohydride to give corresponding alcohol. बच्चों यहाँ पर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे by using different reducing agent, और इन रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, NaBH4, B2H6 और हाइड्रोजन गैस भी पास करते हैं निकिल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आइए जानते हैं रिएक्शन के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक जनरल रिएक्शन लिया हुआ है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप LaH या NaBH4 या B2H6 या हाइड्रोजन गैस पास कर सकते हैं प्लेटिनम निकिल या पैलेडियम की प्रेजेंस में, ये आप जानते हैं, ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों जो रिडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा वो समझिए आप, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं और वो जो नेसेंट हाइड्रोजन या H एटम आएंगे वो यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप पर, इस एक्टिव साइट पर रिएक्शन करेंगे। कैसे करते हैं तो आप जानते हैं रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ पे होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड के बॉन्ड टूटेगा और एक H ऊपर चला जाएगा और एक H इस कार्बन पर आ जाएगा। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर देता है अल्कोहल और ये C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट हो जाता है CHOH में, क्लियर है आपको। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ पर ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोनिक जनरल दिया हुआ है और ये हमारा एसीटोन है। ये कंडीशन जो आपने डिस्कस की थी ऊपर वही है सब, इनमें से कोई भी आप एक कंडीशन लगाएंगे तो आपका कंपाउंड रिड्यूस होके क्या देगा ये आपको बताना है। पोज कीजिए, बनाइए, फिर चेक करते हैं कि यहां पर आपका आंसर क्या आएगा। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन जाएगा बच्चों, आपको पता है कि दीज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। सर कहाँ पे होगा, एक्टिव साइट पे होगा, एक्टिव साइट कौन सी है, सी डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा,
एक एच ओ के पास जाएगा, एक एच नीचे आएगा, सेम इज हियर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक एच लगा देंगे ओ पे, एक एच लगा देंगे कार्बन पे, क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड टूटा, बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, एक एच ऊपर एक एच नीचे, यहाँ पे एक एच ऊपर और एक एच नीचे। तो रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा आर सी एच टू ओ एच। सर एच टू कैसे हो गया बच्चों, एक एच पहले से था ना, एक एच बाद में आया, तो आर सी एच टू ओ एच। यहाँ पे क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, क्या है क्लियर है आपको। सर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये प्राइमरी एल्कोहल के हैं। क्या ये क्लियर है आपको, ये प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन पे ओएच लगा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन जिस पे ओएच लगा हुआ है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एल्कोहल सेकेंडरी होगा और बच्चों ये भी हमारा सेकेंडरी है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द लाइन समझने वाली बात ये है कि अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और अगर आप कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या ये क्लियर है आपको, ध्यान रखिएगा। वो अक्सर पूछ लेता है कि किससे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और किससे बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगला लेते हैं बच्चों फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम रिडक्शन करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा कोरस्पोंडिंग अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस बाय LAH ओनली नॉट बाय NaBH फॉर यील्डेड प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों ध्यान रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है रिड्यूस होता है LAH B2H6 से, या फिर आप यहाँ पे H2 गैस भी पास कर सकते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पर अगर आपने NaBH4 लिया हुआ है और आप चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे आपका अल्कोहल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगली बात ध्यान देने वाली ये है कि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सर समझ में नहीं आया, तो आइए एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, एक्टिव साइट आप जानते हैं सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड एक टूट जाता है जिससे एक एच जाता है ओ के पास, दूसरा एच जाता है कार्बन के पास। तो कंपाउंड क्या बनेगा आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही। सर एक चीज तो रह गई, सर क्या रह गई, सर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में ये वाला बॉन्ड भी टूटता है, तो ये वाला बॉन्ड सर तोड़ा ही नहीं, अरे तोड़ा ही नहीं आपके लिए छोड़ा हुआ है। तो एक एच यहाँ पर जाएगा जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक एच यहाँ पे जाएगा, तो बताइए क्या हुआ RCH2OH, बिल्कुल सही, ये बचा RCH2OH और वो बन गया हमारा वाटर। क्या क्लियर है आपको। अब यहाँ पर सर ये बॉन्ड छोड़ा था, हाँ तो तोड़िए इसको भी। कार्बोक्सिलिक में दो जगह रिएक्शन होती है, एक डबल बॉन्ड ओ पे और दूसरा सी सिंगल बॉन्ड ओ एच पे। तो सर जब बॉन्ड टूटेगा तो एक एच यहाँ पे कार्बन पे और एक एच जो है ओ एच पे जाएगा, सेम इज हियर, क्लियर हो रहा है आपको। तो बताइए क्या बना CH3CH2OH, बिल्कुल सही, दूसरा वाटर, बिल्कुल सही, जोड़ लीजिएगा सर, छोड़ दिया है आपके लिए। सर यहाँ पे क्या होगा CH3CH2OH, क्या ये क्लियर है। तो सर यहाँ पे, सर यहाँ पे ये बना दिया CH3CH2OH, सर कराया मैंने, जो आपने जो बताया था मैंने कराया, बेटा गलत हो गया, ये तो बन ही नहीं सकता। क्यों सर, रिडक्शन हो रहा है, बताया था ना कि जो NaBH4 है इट इज पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। आप यकीन नहीं करेंगे, इस पर ये झटका देने के लिए डिफरेंट एग्जाम्स में ये अनेक बार आया हुआ है, ये पूछता है और बोलता है कि बताइए इनमें कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि NaBH4 में इतना दम नहीं होता, ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सके, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन एट ऑल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड रिडक्शन। तो यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप लगा होता है COCl वो कहलाता है हमारा एसिड क्लोराइड। आइए जानते हैं, दे कैन बी रिड्यूस बाय LAH और NaBH4 और H2Ni, नॉट बाय B2H6 टू गिव प्राइमरी अल्कोहल, क्लियर है। आइए जानते हैं, ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन में क्या होगा सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले आप जानते हैं पाई बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, एक एच यहाँ पे जाएगा
और दूसरा बॉन्ड कार्बोक्सिलिक की तरह सी सी एल टूटेगा, तो एक एच यहाँ पर एक एच यहाँ पे, बताइए क्या बनेगा सर, कंपाउंड होगा, हाँ हाँ बोलिए, आर सी एस टू ओ एच साथ में निकलेगा एच सी एल, क्या ये क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर हुआ, एच सी एल यहाँ से और आर सी एस टू ओ एच यहाँ से। सर दूसरा रिएक्शन देखिए, यहाँ से गया ये एच, यहाँ पे एक एच ये होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एच और इस कार्बन पे आएगा, एक यहाँ जाएगा, बोलिए क्या बना, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एच सी एल, बिल्कुल सही है, आप तो इंटेलिजेंट हुए हैं, अब अपने आप कर लीजिएगा। सर यहाँ पे भी बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बी टू एच सिक्स एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं जाएगा, नो प्रोडक्ट, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं फ्रॉम एस्टर, तो बच्चों अगली जो हमारी प्रिपरेशन है वो एस्टर से है, तो आइए जानते हैं। Esters are reduced by using LaH B2S6 H2 gas in presence of nickel metal, not by NaBH4 to give primary alcohol. बच्चों एस्टर से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, उसके लिए कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो रहेंगे वो LaH B2S6 और हाइड्रोजन गैस रहेगी, लेकिन NaBH4 नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा और मिलेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, दूसरी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन दी हुई है, दोनों में आपको ट्राई करना है क्या बनेगा रिएक्शन। सर यहाँ पे होगी सी डबल बॉन्ड ओ और सी सिंगल बॉन्ड ओ आर पे, तो एडिशन ऑफ एच करना है आपको, हाइड्रोजन करना है, तो एक आप जानते हैं एच ऊपर, एक इस वाले यहाँ पर नीचे, ये बॉन्ड क्लीव होगा तो एक एच कार्बन पे और दूसरा इधर जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा। सर क्या बना बताइए, आर सी एस टू ओ एच प्लस आर डैश ओ एच, ये हो गया हमारा अल्कोहल, क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पर भैया जी दो तरह के आपको अल्कोहल मिलेंगे, क्या क्लियर है। बात करते हैं इसकी, तो ये आपको खुद करना है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इस बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा, और देखिए क्या बनता है। लेते हैं फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो कंपाउंड कहलाता है एनहाइड्राइड। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ तो आइए देखते हैं। ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, तो बच्चों यहाँ पर कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, तो इनमें से ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना है, और लेने के बाद आपको देखना है कि कंपाउंड क्या बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, LaH या B2S6 या हाइड्रोजन गैस निकिल ही यूज कर सकते हैं एनहाइड्राइड के रिडक्शन के लिए, NaBH4 सुटेबल नहीं है, तो बच्चों ये रिएक्शन तो नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये स्ट्रोंगर है तो रिड्यूस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और बनेगा हमारा अल्कोहल कुछ इस तरह से, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल है, आपको बताए थे अभी। अब ये बताइए कि रिएक्शन होगा कैसे, तो बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पे ये तो आप जानते ही है कि यहाँ पे एच ऐसे आएगा, अरे सर ये तो हम जान गए हैं, तो सर यहाँ पे एनहाइड्राइड में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक एच यहाँ पे आएगा और एक एच यहाँ पे जाएगा, कुछ क्लियर हुआ। तो देखिए ऐसे क्या आया, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, क्लियर है। अब सर रिएक्शन कुछ ऐसे यहाँ पे हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटा, एक एच यहाँ पे, और फिर ये वाला भी क्लीव हुआ तो एक एच यहाँ पे और एक एच और आएगा, तो बोलिए क्या बना, तो सर बना सी एस थ्री सी एस टू ओ एच। कितने मोलिक्यूल आए सर, दो मोलिक्यूल आए, क्लियर है आपको। तो बच्चों ये भी कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, तो क्लियर हुआ, ये बनाया हमने एनहाइड्राइड के रिडक्शन के थ्रू, जहाँ पे NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी इसको रिड्यूस कर सकते हैं कुछ ऐसे। बच्चों ये लास्ट है हमारा प्रिपरेशन का, जिसका नाम है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये अगली वीडियो में आएगा, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक आप इस पार्ट में आपने 5 प्रिपरेशन पढ़ी है, उनको सीखिए, उनको याद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।